नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। जैसा कि हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो हम देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है अपने पर्सन का। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप अपने पर्सन से रिलेटेड जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी अच्छी मेमोरीज है, या फिर आप दोनों की जो लास्ट बातचीत हुई थी उसके बारे में सोचेंगे और देखने की कोशिश करेंगे हम कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। देखो, ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने सारे काम धाम छोड़ कर ना एक जगह से बैठ गए हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी एनर्जी स्टक नज़र आ रही हैं और इतना ज़्यादा ठहराव है इनकी लाइफ में, इतना ज़्यादा ये रुक गए हैं, मानो कि इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। मानो कि एक इमोशन इन पर इतना हावी हो गया है कि दूसरे इमोशंस या फिर दूसरी कोई चीज़ इन पर अब असर नहीं कर रही है। लगता है कि इनको कुछ ज़्यादा ही दुख हो रहा है, लगता है कि इनको कुछ ज़्यादा ही पछतावा हो रहा है आपका इनकी लाइफ से जाने से। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये पर्सन वैसे तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट है और काफ़ी दिन से आपको इनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, ना ही आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन आखिरकार करते क्या हैं, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, ना ही आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्योंकि जब तक ये बोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आपकी सबसे बड़ी नाराज़गी मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और यही आपका सवाल है, काफ़ी लोगों का सवाल है कि आखिरकार ये पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आखिरकार ये पर्सन क्यों आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों आपसे मुंह फेर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सबसे बड़ा डर जो है आपके दिल में ये है कि अगर ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, हमारे बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं। इस चीज़ का डर मैं आपके मन में देख रही हूँ और कहीं ना कहीं वो डर बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, आप ना ये सोच रहे हो कि पता ही था, पता था। जैसे कि अगर आपके पार्टनर मेल है तो आपके मन में ना इस रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले मतलब थोड़ा बहुत डर लगता ही था, थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में था ही कि ये लड़के ऐसे ही करते हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। पर ये पर्सन आपकी लाइफ में उस टाइमिंग पे आए हैं ना जब आप बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, और एकदम से जब ये आए तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी, पूरी दुनिया पलट दी, और ये ना इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में दोबारा से यकीन दिलाया, इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में यकीन भी दिलाया और आपका भरोसा भी जीता है। और अब जब इनकी तरफ से कुछ बातचीत नहीं हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप धोखे के शिकार हो गए हो। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कुछ और ही कहती है। ये पर्सन शर्मिंदा है, ये पर्सन अपना मुंह खोल के उस तरीके से आपके पास नहीं आ सकता, समझो गाइज। इनके ऊपर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि ये अपने फैमिली में इकलौते हों, तो इस वक्त इनके ऊपर करियर बिल्ड करने का और इस वक्त इनके ऊपर फैमिली स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
और ये इंसान अपने प्रेजेंट को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियल बोझ तले दबा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना मतलब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, या फिर ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि सोते सोते मतलब पैसे डिवाइड हो, जैसे अपना कोई बिजनेस हो गया। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। भले ही ये पर्सन किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कंपनी में है, फैक्ट्री में है, या इनकी खुद की जॉब भी है, तो भी ये पर्सन या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर इनको ऐसा लगता है, ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी साइड इनकम होनी चाहिए जिसके भरोसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। ठीक है, मैं देख रही हूँ इस पर्सन के शुरू से ही बहुत ज़्यादा ख्वाब रहे हैं, एम्बिशन रहे हैं, पता नहीं अमीरी से रिलेटेड मुझे लग रहा है। तो ना ये पर्सन चीज़ों को जीना भी चाहता है, अपनी लाइफ को खुशी से आपके साथ स्पेंड भी करना चाहेंगे, पर जैसे कहते नहीं है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स होनी चाहिए एक पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने की। इनकी सोच थोड़ी सी अलग है, मतलब ये मान लो कि ये पर्सन जिस फेज़ में गायब है ना, पूरी तरीके से ये रफू चक्कर हो रखे हैं, ये रफू चक्कर हो कर तो भी ये पर्सन किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, तो भी ये पर्सन ऐसा लग रहा है किसी प्लानिंग में लगे हुए हैं, किसी चीज़ को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देख लो किस तरीके से ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, पर ये पर्सन आपको नहीं बताने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये पर्सन आपको ना बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं सही वक्त आने पर, और जब ये आपके लायक हो जाए, है ना, तब। मुझे बहुत लोगों के केस में ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना अपने पर्सन का दिल इसी बात पे दुखा दिया है। हो सकता है लड़ाई लड़ाई में आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो, या फिर कोस दिया हो कि तुम्हारे पास तो ये चीज़ कमी है, तुम्हारे पास तो वो चीज़ कमी है। ये ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ गई है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ये बात चुभ गई है, और इसी को प्रूव करने में ये पर्सन लगा हुआ है या लगी हुई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे साइन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं लिब्रा, जेमिनी, उसके बाद है सैज, सजिटेरियस, उसके बाद है एरीज, लियो बहुत ज़्यादा दिखा, एक्वेरियस भी मुझे नज़र आ रहा है। सभी के सभी साइन हैं यहाँ पे, दोनों ही जेंडर के लिए है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी भी हो गई है तो शादी में भी आपके काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है बहुत टाइम से, और आप बस यही चाहते हो कि अगर आप उनसे अलग हो गए हो या फिर उनका घर छोड़ के आ गए हो तो वो आपको लेने आए, दोबारा से आपको मनाएं। आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वो थोड़ा सा पैशन दिखाएं, है ना। सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ रह रहे हैं उससे काम चलेगा, नहीं, आप चाहते हो कि थोड़ा सा वो भी अपने तरीके से एक्सप्रेस करें। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो, अगर आप बिल्कुल भी आपकी बातचीत बंद है, तो भी आप इस पर्सन से यही उम्मीद करते हो कि ये पर्सन आ कर ना आपको अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करे। एटलीस्ट अच्छा लगता है ना किसी भी इंसान को कि कोई इंसान सामने से आए, अपनी फीलिंग्स को बताए। अगर वो आपके बारे में सीरियस है तो उस चीज़ को भी वो बताएं, अपने शब्दों में बताएं। हमेशा चुप्पी साधना सामने वाला गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि ना वैसे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, रिश्ता मुझे ख़त्म होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, सच बताऊँ तो। पर ये पर्सन कुछ बोल नहीं रहे ना, इनकी जो डेड साइलेंस है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी पड़ रही हैं। ठीक है, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म ही हो रही हैं, लग रहा होगा ना ऐसा। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हो रही है, और ये पर्सन भी मतलब इनकी भी एक ज़िद है कि बस जब चीज़ें थोड़ी सही हो जाएंगी तब आएंगे, है ना। वैसे ये भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, आप भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन दोनों को यहाँ पे एक मौका ज़रूर मिलने वाला है अपने रिश्ते को लेके, एक मौका ज़रूर मिलने वाला है चीज़ों को ठीक करने के लिए। यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि दिस पर्सन अभी फ़िलहाल आपके अलावा इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी अगर थी भी
तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी छोड़ के गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन को अपने किए पे पछतावा है, इस पर्सन को अपनी चॉइसेस पे पछतावा है, इस पर्सन को आपको छोड़ने और थर्ड पार्टी को चुनने का पछतावा है। ठीक है, अपनी जगह ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं अब। ठीक है, अब आप चिंता मत करो, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, पर इस बात की पूरी गारंटी मान लो कि जिस दिन ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे ना, जिस दिन आपका नो कॉन्टैक्ट होगा ओवर, उसी दिन ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के बारे में भी खुलकर बताएंगे। क्योंकि आपके मन में भी, मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं जो आपने इस पर्सन से कभी बोले नहीं हैं, पर वो चीज़ें आपको परेशान करती रही हैं। इस पर्सन से रिगार्डिंग आपको ऐसा लगता रहा है कि आपको धोखा मिला है, पर ये पर्सन आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे, उस धोखे को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, अपनी गलती को कबूलेंगे ये पर्सन। और आप तो देख ही रहे हो कि ये आपके पीठ पीछे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे चीज़ों में लगे पड़े हैं। बस एक ही मकसद है इनका, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हुए नहीं। ये नहीं चाहते कि आपके साथ रहे और फिर भी इनके ऊपर फाइनेंसिस का बर्डन रहे। साथ रहकर ये पर्सन निभाना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इनके अंदर बदलाव देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो सेपरेशन है ना, इतना लंबा सेपरेशन आज तक कभी नहीं रहा है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं। आप सभी को फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस रीडिंग के जस्ट नीचे, और कमेंट सेक्शन में भी प्रिंट कर दूंगी, वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा, मैंने मेडिटेशन करके डाली है। आशा करती हूँ वो रीडिंग आपको पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।